क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी को वो सिस्टमैटिकली बदनाम करके, चोर ठहरा के, बेइज्जत करके पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का हौसला तोड़ना चाहते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मुस्लिम जलील करेंगे, बेइज्जत करेंगे, ताकि मुस्लिम कम्युनिटी का हौसला पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद हो जाए। के चूहे हैं, इनको कोई भी थप्पड़ मारेगा ये रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, वापस डिफा नहीं करेंगे, वापस हमला नहीं करेंगे। विधुड़ी को और इनके मोहन भागवत को, जिन्होंने ये बात विधुड़ी जी से कहलवाई है पार्लियामेंट में, ऐसा कानूनी सबक सिखाऊंगा कि दूसरा कोई रमेश विधुड़ी बनने की जरूरत नहीं, सोचने से पहले भी जिसको जिसकी नींद हराम हो जाए जरूरत ना करे, ये कहनी चाहिए। कई आज तक दानिशाली साहब ने बात मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी जो है मुस्लिम कम्युनिटी को, देश को कमजोर करने के लिए निशाना बना रही है, चाइना और पाकिस्तान से मिलकर पूरे इस्लामिक देशों को भारत से दुश्मनी कराने के लिए दिन रात चाइना और पाकिस्तान से मिलकर आरएसएस और बीजेपी के लोग जुटे हुए हैं। जब तक एफआईआर नहीं हो जाएगी मोहन भागवत जी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह जी के खिलाफ, नड्डा जी के खिलाफ और बीजेपी के चीफ व्हिप के खिलाफ, और वो जो दोनों तीनों बैठ के, दो लोग पीछे बैठ के हट रहे थे, उनके खिलाफ 120 बी धारा में एफआईआर दर्ज नहीं हो जाएगी, जब तक नहीं हटूंगा। करें इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील महमूद प्राचा जी है। जिस तरह से बीजेपी के एमपी रमेश विदुरी ने सांसद दानिश अली पर अभद्र टिप्पणी की, उन्हें कटुआ, मुल्ला, पता नहीं क्या क्या कहा, जिस तरह की बातें बाहर हुआ करती थी वो अब बातें पार्लियामेंट के अंदर होने लगी है। तो आइए हम डायरेक्ट सर से बात करते हैं कि सर जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर हुआ, लोग कह रहे कि ये सिर्फ दानिश अली का अपमान नहीं है, ये पूरे मुस्लिम कम्युनिटी का अपमान है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं सर? नहीं, इसमें आधी बात आपकी सही है, आधी बात सही नहीं है। एक जो पहला लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया था, मेरी वो तरबियत नहीं है कि मैं उस लफ्ज का इस्तेमाल करूं जो रमेश विधुड़ी जी की तरबियत आरएसएस और बीजेपी की पाठशालाओं में और उनके मदरसों में हुई है, तो वो लफ्ज तो दानिश अली साहब के लिए था जी। और जो बाकी सब लफ्ज थे उनके, वो मजहब इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ थे, तो ये बात हमें एकदम क्लियर रखनी चाहिए। और जो उन्होंने किया, देखिए, जो एक तो उनको भी ये एक समझने की बात है कि आरएसएस और बीजेपी के दो ऐसे चेहरे उनके पीछे बैठ के हंस रहे थे, और मुझे जो इल्म हुआ है वो और भी बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अंदर बैठे थे, वो मंत्री रह चुके पहले से, दो तो मंत्री नजर ही आ रहे थे, ये हर्षवर्धन साहब और रविशंकर प्रसाद, वो तो नजर आ रहे थे, उनके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत सारे बैठे थे जो उनकी बात पे खुश नहीं हो रहे थे, बल्कि उनको चेयर अप भी कर रहे थे विदुड़ी जी को। अब और उस वक्त पूरी पार्लियामेंट के अंदर जितने भी लोग थे, उन्होंने किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, इंक्लूडिंग दानिश अली साहब, ये जो क्रिमिनल एक्टिविटी, ये जो क्राइम रमेश विदुड़ी साहब ने किया, उनको बढ़कर रोका नहीं। यह सबसे बड़ी बात जो समझने की है। अगर इतनी बुजदिली आ गई है कि एक छोटे मोटे गुंडे से, जो कि पार्लियामेंट की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शक्ल में आके भारत का संविधान और कानून तोड़ रहा था, उनको रोकने की ताकत, जुर्रत और हिम्मत नहीं है उसी वक्त, तो क़यादत करने के लायक हैं या नहीं है ये आवाम को सोचना पड़ेगा। सर, मैं वो एक्शन वाली बात पे मैं आऊँगा, लेकिन आपने पहले कहा कि कुछ शब्द है जो दानिश अली के लिए कहेगी, कुछ शब्द जो मुसलमानों के लिए कहेगी, तो जरा इसको सर आप स्पष्ट तरीके से बताएं कि कौन सी शब्द है जो दानिश अली के लिए थे, बाकी कौन सी शब्द जो मुसलमान के लिए थे। पहला शब्द जो था ना सिर्फ, वो दानिश अली साहब के लिए पर्सनली था, आतंकवादी की बात कर रहे नहीं, वो सारे मुसलमानों के लिए था। सबसे पहला लफ्ज मैं ले नहीं सकता अपने मुंह से नाम, क्योंकि वो मेरी तरबियत में नहीं है। पहला लफ्ज याद कीजिए जो उन्होंने उसको, किसी ऐसे इंसान को बोलते हैं जो ख्वातीन की दलाली करता है या उस तरह का काम करता है, वो उन्होंने उनके लिए बोला था। उसका वो क्या जवाब देंगे या नहीं देंगे, उससे मुझे कोई ताल्लुक नहीं है, ये उनका और उनका जाती मसला है। सर मैं ही बता देता हूँ, आप ये कहना चाह रहे कि दानिश अली को जो शब्द कहा गया था भड़ुआ, तो आप मानते हैं कि भड़ुआ है? नहीं, बिल्कुल, ये बात दानिश अली साहब जानते होंगे या विधुड़ी जी जानते होंगे, उनके आपस में दोनों के, बीजेपी से दानिश अली साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं इस बात को जानता हूँ। बीजेपी और आरएसएस से ताल्लुकात है सर, बीजेपी और इल्जाम लगा रहे सर, बीजेपी से और आरएसएस के लोगों से बहुत बड़ा, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, ये सच्चाई, इसमें कोई बुरी बात नहीं है ना, हमारे इतने बड़े बड़े उलेमाओं के हैं। अभी उसका लेटेस्ट एग्जांपल देख लीजिए, आप यहाँ कहेंगे शायद, जो जेडीएस है एक पार्टी कर्नाटक में है ना, दानिश अली साहब किसका प्रोडक्ट है? पहले उनके साथ देवेगौड़ा का और उनके बेटे का ही प्रोडक्ट है ना, वो है कि नहीं है?
अब वो कहाँ चले गए? आज दानिश अली साहब के उनसे क्या रिश्ते हैं, ये आप बता सकते हैं या पूछ सकते हैं दानिश अली साहब से? मैं उस पार्टी में नहीं ना, तो बीएसपी में आ गए ना सर आप तो। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी बीएसपी में है वो जी। उनके कुमार स्वामी साहब से और देवेगौड़ा साहब से क्या रिश्ते हैं आप जाके पूछ सकते हैं, ठीक है? उनको फर्स्ट टाइम, मैं ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं दुखी हूँ और वजह भी बताऊंगा आपको, क्योंकि मेरे पास हर एक आदमी की जो कहीं भी है ना पॉलिटिक्स में और बिजनेस में उसकी हिस्ट्री जरूर रहती है, और दुखी होके क्यों बोल रहा हूँ वो भी बताऊंगा। जो फर्स्ट टाइम एमपीस को बंगला कितने लोगों को आज तक मिला है वो भी मैं आपसे चाहूंगा, आप इतने बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन से आते हो, इस पर रिसर्च करके इस पर भी रिपोर्ट कीजिएगा, और वो भी वो व्यक्ति जो कि एक ऑपोजिशन पार्टी में, जो कि बीजेपी की मुखालिफ पार्टी में। फर्स्ट टाइम एमपी को बंगला कितने लोगों को मिला ये मुझे बताइएगा। और बंगला नहीं, मैं आपसे पूछ रहा ना, नहीं मिला होगा यही मैं बता रहा हूँ। नहीं मिला सर, इमरान प्रताप गिरदी के फर्स्ट टाइम एमपी बने उनको भी बंगला मिला, कांग्रेस के एमपी है ना सर वो। मैं इसीलिए बता रहा हूँ ना आपको, बंगला कौन देता है ये और बता दीजिए मुझे। वो तो सर वो सरकारी डिसाइड करती है। कौन? वक्त की सरकार ना, हरदीप पुरी साहब डिसाइड करते हैं ना ये। हरदीप पुरी किस पार्टी में है? तो बीजेपी से। हरदीप पुरी साहब ने राहुल गांधी का तो बंगला छीन लिया था, एक सेकंड से पहले छीना था ना, और इनको बंगले प्रोवाइड कर रहे हैं जिनको, क्यों कर रहे हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसके बारे में आप लोगों को रिसर्च करनी चाहिए। किसी भी इंसान को आरएसएस और बीजेपी कोई फेवर कर रही है तो क्यों कर रही है, इस पे रिश्तों के बारे में आपको इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। और किसी भी इंसान से, जैसे राहुल गांधी का एग्जाम्पल एक सबके सामने इसलिए मेरे जबान पे बार बार आ रहा है, किसी भी इंसान का बसा बसाया घर झूठा इल्जाम लगा के कैसे आरएसएस छीन सकती है बेईमानी करके, क्राइम करके, वो भी आप लोगों के सामने है। तो अब आप एनालिसिस कीजिए, आप लोग जर्नलिस्ट हैं, मैंने ये बताया जो मुझे तकलीफ है, जिस वजह से ये सब बातें मैं बोल रहा हूँ, और जिस तकलीफ की वजह से मैं, जो हमारे 100-200 जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनके लिए भी बोलता हूँ कि ये सब आरएसएस के एजेंट हैं, उनके जो जो भी हैं वो हैं, तो उसकी वजह क्या है आप समझिए, आरएसएस का नैरेटिव क्या है, उन्होंने शुरुआत कहाँ से की, हमारे जो बेचारे गरीब मेहनत करके खाने वाले, जो रेहड़ी पटरी लगाने वाले, कहीं अपना अपने बाल बच्चों का पेट पालने के लिए रेहड़ी लगाने चले जाते हैं, तो आरएसएस के कार्डर्स ने, बजरंग दल के कार्डर्स ने उनको आइडेंटिफाई कर करके पीटा, उन्हें धक्के दे के निकाला। क्यों? वो मुस्लिम समाज का अगर कोई, हमारे तो इस्लाम में कोई स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है, पैसा कोई चीज़ ही नहीं होता इस्लाम के मज़हब के मानने वालों में, लेकिन अगर गुर्बत के हिसाब से देखा जाए तो आरएसएस ने सबसे कमज़ोर लोगों पे हमला शुरू किया, मॉब लिंचिंग करनी शुरू। सुन लीजिए ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, वजह बता रहा हूँ मैं क्यों बोलता हूँ इन सब लोगों के खिलाफ। फिर उसके बाद उन्होंने जो दूसरे थोड़े से ज़्यादा पावरफुल लोग थे, आपने देखा ना घरों पर लोगों के हमले हुए, दिल्ली दंगों में कितने मुसलमानों के बिल्डिंगें तबाह कर दिए, मेवात का एग्जाम्पल। दूसरा सबसे कमज़ोर तबके के बाद दूसरा इम्प्रूवमेंट किया, उसके बाद मौलाना कलीम सिद्दीकी, उसके बाद इस तरीके के पावरफुल लोगों की बेइज्जती और उनके उनको जलील करने का फॉर्मूला उन्होंने चुना। क्यों? क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी को वो सिस्टमेटिकली बदनाम करके, चोर ठहरा के, बेइज्जत करके पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का हौसला तोड़ना चाहता है। जो मुस्लिम संगठन उस पर हम आएंगे, लेकिन अभी अभी बात कंप्लीट नहीं हुई मेरी बात, मैं आऊंगा सर, मैं पहले ये जानना चाह रहा हूँ कि सर आप इतने बड़े वकील हैं, लोग आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप दानिश अली के सपोर्ट में खड़े होंगे, आप आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ दानिश अली को नहीं, लोग ये भी मान रहे हैं कि मुसलमान को एक तरह से अपमानित किया गया है, लेकिन आप कह रहे कि नहीं उसका बीजेपी से संबंध है, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मैंने एक आपका बीजेपी से संबंध है, उनके ताल्लुकात हैं इसीलिए उन्हें बंगला मिला। कुमार स्वामी का मैंने एग्जांपल दिया, मैं आप मुझे खत्म करने दीजिए, मैं उस पर आ ही रहा था, ऑटोमेटिक आपके सवाल का जवाब मिल जाता जी। मैं इन मौलानाओं के भी खिलाफ जब तक ही हूं जब तक ये ईमान पे नहीं आ जाते। आरएसएस और बीजेपी से लड़ने के लिए मेरे साथ या मुझसे अलग हटके अगर मजबूत लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, मैं इनकी जिंदाबाद करूंगा अभी के अभी और हमेशा करता रहूंगा। मेरी लड़ाई नहीं है ना जाति कुछ, मैं उस पर आ रहा था। तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे अल्टीमेटली इन्होंने क्या प्लान किया था कि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मुस्लिम जलील करेंगे, बेइज्जत करेंगे, ताकि मुस्लिम कम्युनिटी का हौसला पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद हो जाए। वो ये सोचने लगे कि जमीन से लेके हमारे टॉप लीडरशिप को भी, हमारे बड़े बड़े मौलानाओं को जलील बेइज्जत, और अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी जलील और बेइज्जत करते हैं, और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारी हायरार्की में टॉप पे है, सबसे पावरफुल है हमारे, वो रोएंगे। रुला दिया ना उन्होंने, वो तो रो रहे थे, कह रहे थे कि हम गुहार लगाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। ये है
साजिश का हिस्सा। मैं दानिश अली साहब के लिए जान हथेली पे लेके, अगर वो अपना ईमान का जज्बा दिखाएं, मैं इन रमेश विदुड़ी साहब को का वो हशर कानूनी तरीके से करूंगा। दूसरा कोई रमेश विदुड़ी बनने को तैयार नहीं होगा, भले ही आरएसएस की मोहन भागवत जी उसको रिटर्न में ऑर्डर कर दें, मैं ये हशर करूंगा कानूनी तौर से। लेकिन दानिश अली साहब क्या हिम्मत करेंगे? मुझे पता लगा है कि हमारे एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के वकील ने, बहादुर वकील ने तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी। दानिश अली साहब ने सिर्फ रोने के अलावा, सिर्फ गुहार लगाने के, गिड़गिड़ाने के अलावा, एक मुसलमानों की ऐसे इमेज पेश करने के अलावा कि चूहे हैं, इनको कोई भी थप्पड़ मारेगा ये रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे, वापस डिफा नहीं करेंगे, वापस हमला नहीं करेंगे। तो सर आप क्या चाहते हैं? इमेज जो है ना, मैं ये चाहता हूं कि दानिश अली साहब को, और मैं पहले दिन से बोल रहा हूं और यही मैं उन मौलानाओं को बोलता हूं जो ये बोलते हैं कि हम मनु के चरणों में सर रखेंगे, हम लोग जो है ओम और अल्लाह को एक मानते हैं, किस लिए? बुजदिली दिखाने के लिए बोलते हैं। अगर वो मानते ही हैं तो ये उनका उनका अपना पर्सनल मैटर है ना। भारत के संविधान ने, बाबा साहब ने जो बनाया है ना, सबको अधिकार दिया है। कोई भी मुसलमान ये कह सकता है कि मैं मनु के चरणों में सर रखता हूं, और सबसे कहता हूं आओ मनु के चरणों में सर रखो, लेकिन वो मुसलमान नहीं रह जाएगा, वो एक अपना नया मजहब बना रहा है, ये भारत का संविधान है। तो मौलाना अरशद मदनी ने जब ये कहा था कि मैं मनु के चरणों में सर रखता हूं, तो वो एक अपना अलग मजहब बना रहे हैं, उनको पूरी इजाजत है। मैं मुसलमान होने की हैसियत से ये बात कहता हूं कि मैं मर जाऊंगा, गर्दन कटवा लूंगा, मनु के चरणों में सर नहीं झुकाऊंगा, ये मेरा ये इजाजत देता है मुझे भारत का संविधान। सर आप उसे मुसलमान नहीं मानते? मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमान मैं कोई फतवा देने वाला तो हूं नहीं, लेकिन मनु के चरणों में जो सर झुकाता है या सर झुकाने के लिए कहता है या सोचता भी है, मेरी नजर में जितना इस्लाम मुझे पता है, जिस इस्लाम को मैं फॉलो करता हूं, मैं उस इस्लाम का मानने वाला कोई भी अल्लाह के अलावा किसी के आगे सर झुकाने की, बोलने की बात तो छोड़िए, सोच भी नहीं सकता, मैं उस इस्लाम का मानने वाला हूं। तो यह मेरा जाती मसला है, लेकिन सबको आजादी है, कोई किसी के आगे भी सर झुकाए, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं। लेकिन तो वो मेरे इस्लाम के मानने वाले नहीं है जो बुजदिली दिखाता है, वो मेरे इस्लाम का मानने वाला नहीं है। बुजदिली और ईमान का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे ही बुजदिली जिस दिल में आती है, उस दिल से ईमान निकल जाता है। सर इसे बुजदिली नहीं, एक डर भी तो कह सकते हैं ना, कि अगर उस पे कोई कार्रवाई ना हो जाए, ईडी सीबीआई ना चले जाए, इसीलिए हो सकता है कहीं डर रहे हो, सरकार से सवाल नहीं कर रहे हो। तो बुजदिली और क्या होती है? डर का नाम ही तो बुजदिली है, यही तो मैं कह रहा हूं। इसके बाद जब पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को उनके नाम से बेइज्जत किया जा रहा है, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को एक तरीके से प्रेशर में लिया जा रहा है कि तुम्हारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हम कान पकड़ के ये कर सकते हैं, मतलब ये देखिए ना, और उनका उनको कोई अफसोस नहीं हो रहा, वो आंसू बहा रहे हैं। क्या है, कोई एफआईआर कराई? मैं बता रहा हूं ना, मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है कि ये विदुड़ी साहब ने, और देखिए एक ओबीसी है और एक मुसलमान है, दोनों को लड़वा के वो जो हमारे सो कॉल्ड सवर्ण कम्युनिटी के लोग है ना, कैसे मजे ले रहे थे कि इस तरफ से मरेगा तो रमेश विदुड़ी ओबीसी जिसको वो शूद्र की नजर से देखते हैं, इस तरफ से मरेगा तो हम तो अवर्ण है, मुसलमान है, तो दोनों लड़ेंगे मरेंगे, हम लोग ताली बजाएंगे, हम लोग ये कहेंगे कि हमारा विदुड़ी से भी कोई मतलब नहीं है, ये एक बड़ी साजिश है। दूसरी, ये विदुड़ी जी जाने और हमारे ओबीसी समाज के जो दूसरे लीडर बीजेपी में है और हमारे मुस्लिम समाज के जो दूसरे लीडर बीजेपी में, ये उनका मसला है, मैं उसमें नहीं पड़ रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये सारे तमाम मौलाना और दानिश अली साहब ये राहुल गांधी जी को बुला के उनसे गले मिलके और अपनी इमेज ये दिखा रहे हैं कि देखो हमें मदद की जरूरत है, हमें गांधी खुद गए ना सर, उन्होंने बुलाया थोड़ी है ना, गए ना राहुल गांधी जी के साथ खड़े होके, उनको ये ना कहना चाहिए था, मैं विदुड़ी को, जो मैं कह रहा हूं बात विदुड़ी को और इनके मोहन भागवत को जिन्होंने ये बात विदुड़ी जी से कहलवाई है पार्लियामेंट में, ऐसा कानूनी सबक सिखाऊंगा कि दूसरा कोई रमेश विदुड़ी बनने की जरूरत नहीं, सोचने से पहले भी जिसको जिसकी नींद हराम हो जाए जरूरत ना करे, तो ये कहनी चाहिए। कई आज तक दानिश अली साहब ने बात, वो क्या कह रहे हैं, मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये क्या कह रहे हैं कि मेरी रक्षा नहीं हुई तो मैं ये कर दूंगा, मैं क्या कर लूंगा, मैं अपने रो रहे हैं, मतलब टीवी तो कह रहे कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम इस्तीफा दे देंगे, तो इंतजार कर रहे कि देखते कब तक कार्रवाई होगी इस पर। मैं यही कह रहा हूं ना, ऐसे लोगों को जो अपना दिफा नहीं कर सकते उनको लीडरशिप लेने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने देश के लिए, संविधान के लिए, इंसाफ के लिए, बराबरी के लिए, अपने ईमान के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं, ऐसे लोगों की जरूरत है आज, ऐसे लोगों की नहीं जो रोएं गिड़गिड़ाएं। जालिम के सामने गिड़गिड़ाता कौन है? क्या है ये मौलाना है ना, सब इनसे पूछिए, ईमानदार मौलाना से पूछेंगे वो तो यही बताएंगे कि
जालिम के आगे झुकना, जालिम के आगे डरना, जालिम की मुखालफत ना करना, इस मतलब सिर्फ एक होता है कि आपकी ईमान की हरारत में कमी है। लेकिन सर लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रतिनिधि होकर रो रहा है, वो तरफ से लोग कायर की नज़र से देख रहे हैं कि जब प्रतिनिधि रोएगा तो आम जनता का क्या होगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर दानिश अली ये करे तो मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा, ये कार्रवाई उनसे आगे खड़ा होऊंगा। मैं देखता हूं ना आरएसएस के सारे क्या चाहते सर आप, वो ये मैं ये चाहता हूं कि दानिश अली साहब को रमेश विधूड़ी, मोहन भागवत, अमित शाह और मोदी जी के खिलाफ और उनके जो चीफ विप हैं और उनके खिलाफ एफआईआर करानी चाहिए। ये आतंकवाद की एक तरह से घटना है, ये पार्लियामेंट के ऊपर हमला है। दानिश अली साहब हैं कौन? दानिश अली साहब हैं पार्लियामेंट, हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है हमारा पार्लियामेंट होता है। ये रमेश विधूड़ी साहब ने पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया है, पार्लियामेंट को जलील किया है। ये कोई दानिश अली साहब को जलील नहीं किया है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम, कोई इस बिल्डिंग का नाम पार्लियामेंट थोड़ी है, जो उसके मेंबरान होते हैं वो पार्लियामेंट होते हैं, समझे आप। तो ये पार्लियामेंट के ऊपर जो हमला किया है ये देशद्रोह है, देशद्रोह का मुकदमा कराएं। 120 भी मोहन भागवत जी के नाम से, अमित शाह जी के नाम से, और उनका चीफ विप जो है दिल्ली के, जो उनके बीजेपी के चीफ विप है जो है उनके नाम से, ये नड्डा जी के नाम से एफआईआर कराएं। मैं लड़ूंगा और मैं ये गारंटी देता हूं कि उनको कोर्ट आने की भी जरूरत नहीं है, मैं लड़ूंगा उनका मुकदमा फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगा, और इन लोगों को ऐसी इबरतनाक सजा दिलवाएंगे कानूनी कि ये दोबारा ऐसी सोचने की भी जरूरत ना कर सकें। हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, एसटी कम्युनिटी, हमारे ओबीसी कम्युनिटी और माइनॉरिटीज के बारे में इस तरह की भावना और इस तरह की साजिश करने का ख्याल भी सपने में ना आएंगे। लेकिन सर मैंने पढ़ा है कि जो पार्लियामेंट के अंदर जो बातें कही जाती है उसको लेकर कोई एफआईआर नहीं होती है, तो सर कैसे आप एफआईआर दर्ज कराएंगे? पार्लियामेंट के अंदर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कत्ल कर दे, एफआईआर नहीं होगी। पार्लियामेंट के अंदर कोई ये बोल दे कि आज से मैं अलग देश का ऐलान करता हूं, उसके ऊपर एफआईआर नहीं होगी, नहीं होगी, होगी। पार्लियामेंट के अंदर जब तक कोई किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा, और खासतौर पर इतने सीरियस कानून का जो एक तरीके से देशद्रोह है, तब प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन क्यों होती है? जो प्रोटेक्शन है ना वो सिर्फ इसलिए है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको पार्लियामेंट को कुछ भी बोलने का अधिकार है। कुछ भी बोलने का ये अधिकार नहीं है कि वहां से खड़े होकर कोई बोल दे कि मैं यहां से आज हिंदू राष्ट्र का ऐलान कर रहा हूं, तुरंत अरेस्ट होगा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तुरंत जेल में जाएगा। सर कुछ लोग ये भी है, इसको कानूनी बात है, और इसमें हम कह रहे हैं ना हमारे पास आए, मेरे पास ना आए, चलिए मैं तो सॉलिसिट नहीं कर सकता उन्हें, किसी भी अच्छे वकील के पास जाएं और कराएं, तब मैं उनकी जिंदाबाद करूंगा कल से। लेकिन कुछ लोग सर ये भी मांग करें कि जिस तरह से SC ST एक्ट है कि अगर कोई उसे चमार या जो भी जो उनका नाम लेकर बोलते हैं उस पर केस दर्ज होता है, तो इस तरह का कानून मुसलमानों के लिए बनना चाहिए कि मुसलमान को पाकिस्तानी, आतंकवादी, ऐसे शब्द ना कहा जाए, तो आप भी चाहते हैं कि सर ऐसा कुछ कानून बने? जो इस्तीफा दे के भाग रहे हैं ऐसे लोग तो नहीं बनवा पाएंगे ना कोई भी मजबूत कानून, ये बात सही है ना। कानून तो वहीं से बनना ना जहां से, एक तरीके से अगर गंदा ही लफ्ज इस्तेमाल किया जाए कि आपको लतियाया जा रहा था, आपको गलियाया जा रहा था और आप रो रहे थे, ऐसे लोग बनवाएंगे कानून मजबूत? पहली बुनियादी बात जो आपकी बात से निकल के आ रही है ना वो ये है कि अच्छे मजबूत लीडर्स चुन के भेजना हर एक वीकर सेक्शन की, आवाम की जिम्मेदारी है। बुजदिल और लालची लोग इस वक्त जहर हैं हमारे देश के लिए भी, हमारे एक एक समाज के लिए, सब कमजोर तबकों के लिए, और खास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी जो है मुस्लिम कम्युनिटी को, देश को कमजोर करने के लिए निशाना बना रही है। चाइना और पाकिस्तान से मिलके पूरे इस्लामिक देशों को भारत से दुश्मनी कराने के लिए दिन रात चाइना और पाकिस्तान से मिलके आरएसएस और बीजेपी के लोग जुटे हुए हैं। ये मोहम्मद बिन सलमान साहब को, MBS साहब को, एक इनके जो क्रिमिनल एंकर है ना वो गाली दे रहे थे, ये कह रहे थे कि सऊदी हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो भूखे मर जाएंगे अगर उन्हें चावल और गेहूं ना दें। ये कौन कहेगा, ये किसको फायदा पहुंचाने के लिए कहेगा कोई इतना बड़ा TV एंकर जो बीजेपी और RSS को दिन रात तारीफें करता है, कौन कहेगा? जिसके चाइना और पाकिस्तान से ताल्लुकात होंगे वो हमारा सऊदी अरब से रिश्ते खराब कराना चाहता है, वो सब मुस्लिम कंट्रीज से हमारे रिश्ते खराब कराना चाहता है ताकि भारत कमजोर हो, पाकिस्तान और चाइना ताकतवर। सर आपसे आखिरी सवाल की, आप कह रहे कि लीडरशिप बननी चाहिए, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी हम अपना लीडर नहीं बना पाए, हम सेकुलर पार्टी के भरोसे रहे कि वो हमारी आवाज उठाएगा, लेकिन मुसलमानों के साथ जो अत्याचार होता है, उन्हें आतंकवादी पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। 24 का चुनाव नजदीक है,
तो क्या लगता है कि कौन ऐसा है जो हमारी प्रतिनिधि करेगा, हमारे लीडर बनेगा, आपकी नज़र में कोई है ऐसा? सर ऐसा आप गलत बोल रहे हैं कि मुसलमानों को कोई आतंकवादी कहता है और वो सिर्फ रोते गिड़गिड़ाते हैं, कुछ कह नहीं पाते, ऐसा तो नहीं है। मैं भी मुसलमान रहा सर, सांसद रो रहे, आम आदमी की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं तो सांसद भी नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा वकील हूँ। मैं तो कह रहा हूँ अमित शाह साहब के खिलाफ एफ आई आर करो। मैं तो खुद, मेरे ऑफिस में रेड हुई थी ना, मेरा आप फोटो दिखाइए दुनिया को, जब यहाँ पे बंदूकों के साए में 200 बंदूकें मेरे सर पे थी, मेरे चेहरे पे, जब वो यहाँ बैठ के मुझे डरा रहे थे अमित शाह जी का नाम ले लेके बार बार, कि वो मरवा देंगे आपको, गोली मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मेरे चेहरे पे उस वक्त, अगर डर का एक इतना सा भी शिकन हो, मैं अभी पब्लिकली माफी मांगूंगा। उसके बाद जैसे ही 3 बजे वहां निकल के गए थे, तो मैंने एक वीडियो क्लिप दी थी ना, एक वीडियो बयान दिया था यहाँ पे, एक जर्नलिस्ट थे, क्योंकि यहाँ पे भी फरहान याहिया साहब का मैं नाम लूंगा, उन्होंने कवर भी किया था वो। मैंने क्या बोला था, 1 मिनट बाद जब रेड खत्म हुई थी, 15 घंटे की रेड, 200 पुलिस गनमैन मेरे ऑफिस में नीचे से लेके ऊपर पूरा एरिया घेर रखा था, क्या बोला था मैंने, कहीं अमित शाह साहब ने क्राइम किया है, मैं उनको अरेस्ट कराऊंगा। मेरे चेहरे पे शिकन थी, डर का एक नामो निशान था। मैं एक छोटा सा मुसलमान हूं, जिसका मैं समझता हूं मैं बहुत बड़ा गुनहगार मुसलमान हूं, और मैं ये क्लेम भी नहीं करता कि मैं बहुत बड़ा बड़ा मुसलमान हूं, एक छोटा सा मुसलमान हूं जो मुसलमान बनने की कोशिश कर रहा है, जो अपना ईमान थोड़ा बहुत पुख्ता रखता है, मैं वो हूं। तो मैं ये कर सकता हूं, मैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हूं, मैं अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता तो अमित शाह साहब जेल में होते, मैं ये आपको बता रहा हूं, जेल भेज देते सर 101%। आज तो हमारी छोटी सी टीम है ना वकीलों की, हमने आरएसएस के दर्जनों लोग दिल्ली के दंगों में बंद कराए, दर्जनों, तो क्या आरएसएस के कार्डर्स। ये आप ये मत कहिए कि मुसलमान डर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं है, मुसलमानों को डराने की साजिश में हमारे खुद के कायदीन जो हैं वो एक हिस्सा है, मुसलमान नहीं डर रहा, तो मुसलमान डर ही नहीं सकता। कार्रवाई होगी सर भिदुरी पे, जब मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, ऐसे तो होती नहीं है ना कार्रवाई, कंप्लेनेंट होगा तो कंप्लेंट होगी ना, जिसके साथ बेइज्जती हुई है वो तो कुछ कह नहीं रहे, वो तो रो रहे हैं, रोने से तो कुछ नहीं होता, आए किसी अच्छी वकील के पास, वो बढ़िया सी कंप्लेंट लिखवाएगा, जाए पुलिस स्टेशन। हम देखिए, हम जाके पुलिस स्टेशन में SC ST एक्ट के मुकदमे दर्ज करा रहे हैं ना, हम उनके साथ भी जाएंगे पुलिस स्टेशन। मैं क्या, कोई भी बहादुर वकील जाएगा उनके साथ, बहुत सारे वकील हैं बहादुर हैं, एक से बढ़कर, मैं तो एक छोटा वकील हूँ, मुझसे बड़े वकील इतने सारे मौजूद हैं, उनमें से किसी को, उनके तो बहुत सारे दोस्त भी हैं, बनाए FIR, जाएं FIR दर्ज कराएं, बैठे वहां पे धरने पे, मैं आऊंगा धरने पे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। आप जाएंगे धरने पे 100%, और जब तक नहीं उठूंगा खुद पर्सनली, जब तक FIR नहीं हो जाएगी मोहन भागवत जी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह जी के खिलाफ, नड्डा जी के खिलाफ, और BJP के चीफ व्हिप के खिलाफ, और वो जो दोनों तीनों बैठ के, दो लोग पीछे बैठ के हट रहे थे, उनके खिलाफ 120B धारा में FIR दर्ज नहीं हो जाएगी, जब तक नहीं हटूंगा, करें हिम्मत। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ महमूद प्राजा साहब। तो आप भी क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।